इंक्वायरी होनी चाहिए, होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए सर? उनको सजा होनी चाहिए, सख्त से सख्त होनी चाहिए, आसपा के कातल जेल जाने चाहिए। मीडिया बिकी हुई है, मैं शरिया मुंह पे बोलूंगी, ऑल मीडिया बिकी हुई है। तलबकारी के ये एक माँ कह रही है, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, आपकी बार मोदी सरकार। नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। ये स्लोगन आपको बहुत अच्छे से याद होगा, अब तो और अच्छे से याद आ रहा होगा, क्योंकि इस मामले पर मोदी सरकार जमकर घिर रही है। और कौन सा मामला है? वो काम मामला है कठुआ और उन्नाव कांड। लेकिन अभी बात करूँ अगर कठुआ कांड की, तो वाकई बहुत हुआ महिलाओं पर वार, आपकी बार मोदी सरकार। लेकिन अब तो शायद ये स्लोगन बदलना चाहिए, वाकई बहुत हो गया महिलाओं पर वार, अब तो कुछ करो मोदी सरकार। शायद जरूरत है पीएम मोदी को सोचने की, पूरी मोदी सरकार को सोचने की, बीजेपी को सोचने की, यहां तक कि जो विपक्ष में नेता बैठे हैं उनको भी सोचने की। क्योंकि राजनीति मत करिए आप, कठुआ और उन्नाव कांड पे राजनीति मत करिए आप, बीजेपी को जमकर मत घेरिए। क्योंकि अगर जो कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है, उसे साल 2012 याद करना चाहिए, जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में निर्भया कांड सामने आया था। तब कहां थी भी कांग्रेस? कांग्रेस को अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने 60 साल देश की सत्ता पर राज किया है। 5 साल मोदी सरकार को होने वाले हैं, अगले साल हो जाएंगे, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं, यानी कुल मिलाकर 4 साल तो हो ही गए हैं मोदी सरकार को। तो ऐसे मोदी सरकार को आड़े हाथों लेने से पहले कांग्रेस को भी सोचना चाहिए, अन्य पार्टियों को भी सोचना चाहिए कि वो अपने अपने क्षेत्र में किस तरीके से काम कर रही हैं। क्या उनके क्षेत्र में बलात्कार नहीं होते हैं? क्या उनके क्षेत्र में किसी लड़की से छेड़छाड़ नहीं होती है? क्या वहां पर वुमेन्स एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है? होता है, लेकिन मीडिया में नहीं खबरें आती हैं। यहाँ पर उन्नाव और कठुआ कांड आ गया क्योंकि ये केस जुड़ा है बीजेपी के मंत्रियों से, और इस वक्त देश की सत्ता पर काबिज है पीएम मोदी। तो ऐसे में घेरना तो बनता ही है। कठुआ कांड में धार्मिक मजहब ढूंढा जा रहा, धर्म मजहब ढूंढा जा रहा है, उसको जोड़ा जा रहा है पीएम मोदी से, क्योंकि पीएम मोदी के नाम पर एक कांड लिख चुका है इतिहास में, वो है गोधरा कांड। और शायद हालांकि उनको क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन फिर भी जब भी जिक्र होता है तो विरोधी पार्टियां हमेशा पीएम मोदी पर ठीकरा फोड़ती हैं, क्योंकि वो खुद ही एक सांप्रदायिक नेता रहे हैं। लेकिन इससे आप किसी को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि वो उनकी तत्कालीन मुख्यमंत्री के तौर पर शायद छवि हुआ करती होगी, लेकिन अब वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं और उनकी छवि बहुत ही अच्छी और बेमिसाल रही है और बेमिसाल है। मैं यहाँ ना मोदी ना पीएम मोदी का समर्थन कर रही हूँ, ना मैं यहाँ कांग्रेस की खिलाफत कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर दोनों पक्ष देखिए। क्या 60 साल कांग्रेस ने शासन नहीं किया? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही है आम आदमी पार्टी से पहले, क्या वहाँ पर यहाँ पर निर्भया कांड नहीं हुआ? कांग्रेस की सुरक्षा पर सवाल नहीं उठे? UPA केंद्र में थी और यहाँ पर शीला दीक्षित की सरकार थी, क्या यहाँ पर कांग्रेस को कटघरे में नहीं खड़ा किया जाना चाहिए? तो फिर मोदी सरकार को ही क्यों घेरना? लेकिन अब मोदी सरकार जिस बलबूते, जिस विकास, जिस महिला सुरक्षा को लेकर जोर शोर से साल 2014 में देश की सत्ता पर काबिज हुई, वो स्लोगन, वो मुद्दे, वो विकास कहाँ है? कहाँ है वो विकास? क्या बुलेट ट्रेन आने से बुलेट ट्रेन विकास है, लेकिन महिला की सुरक्षा कहाँ है? क्या विकास से आप महिला की सुरक्षा को तो नहीं तोड़ देंगे? इसमें अगर कांग्रेस जिम्मेदार है तो बीजेपी भी जिम्मेदार है, बीजेपी जिम्मेदार है तो कांग्रेस भी जिम्मेदार है। लेकिन कुल मिलाकर अभी कठुआ कांड को लेकर बड़ी अपडेट को लेकर बात करूंगी। सांझी राम का बयान सामने आया है, सांझी राम ने कहा है, दोषी पाया जाता हूं तो फांसी पर चढ़ा देना। तो वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो केस है उसको चंडीगढ़ में उसका ट्रायल हो, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि केस सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा। मैं आपको खबर दिखाती हूँ, CBI जांच पीड़ित परिवार नहीं चाहता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मांग हो रही है कि इसको चंडीगढ़ में इसका ट्रायल किया जाए, इस केस का, इसको जम्मू कश्मीर में ना लड़ा जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कोर्ट की जो याचिका जो है पीड़ित परिवार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि इस केस की सुनवाई जम्मू कश्मीर से बाहर हो, कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है। इस मामले में अगली सुनवाई आगामी 27 अप्रैल को होगी। आरोपी जो नाबालिग है उसकी पेशी आगामी 24 अप्रैल को होगी। और पीड़ित परिवार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि उन्हें पुलिस की जांच पर भरोसा है और वो उसकी CBI से जांच नहीं कराना चाहते हैं। हालांकि वकील ने यह कहा है कि इस केस की सुनवाई कठुआ के बजाय चंडीगढ़ में हो, क्योंकि अगर केस कठुआ में चलेगा तो हमें न्याय नहीं मिलेगा और हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट केस की मॉनिटरिंग करे। और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को वैसे ही आदेश दिया है कि पीड़ित परिवार उसकी वकील को सुरक्षा मुहैया कराया जाए, क्योंकि
दीपिका एस राजावंत जो हैं वो केस लड़ रही हैं पीड़ित परिवार का। उन्होंने खुद मीडिया से कहा है कि मुझे बचाइए और मेरा भी किसी वक्त रेप और हत्या हो सकती है और मुझे मेरी भी जान जा सकती है। चलिए अब बात करते हैं सीबीआई को जांच सौंपने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार हो गया है कि सीबीआई जांच नहीं करेगी इस मामले की। हालांकि मुफ्ती सरकार पहले से पीछे हटती रही है कि सीबीआई जांच नहीं होगी, लेकिन बीजेपी का कहना है साफ साफ, जो बीजेपी के जो मंत्री हैं लाल सिंह जिन जो अब मंत्रिमंडल से बाहर हो गए हैं, जो विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई हमेशा सही जांच करती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस केस की जांच सीबीआई नहीं करेगी, ये खबर सामने आई है। अब आपको बताते हैं कि सांझीराम ने क्या कहा है। आरोपी सांझीराम का बयान, सीबीआई जांच में दोषी मिलूं तो फांसी दे दो। कठुआ बलात्कार और हत्या मामले में जो मुख्य आरोपी है, जो अभी जिस पर आरोप है, अभी अपराधी नहीं है वो, सांझीराम ने कहा है कि मामले की सीबीआई जांच में अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें सामूहिक रूप से फांसी की सजा दे दी जाए। ये सांझीराम ने कहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच से इनकार कर दिया है। पीड़ित परिवार ने कहा है कि सीबीआई जांच नहीं होगी, लेकिन जो आरोपी हैं कह रहे हैं नार्को टेस्ट होना चाहिए, आरोपी जो है वो कह रहे हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए। सांझीराम के परिवार के जो सदस्य हैं उन्होंने नेशनल मीडिया की आलोचना की है और कहा है कि पत्रकार बिना जांच किए फैसला दे रहे हैं। और बेटी का वीडियो भी हमने आपको दिखाया था, कैसे सांझीराम की बेटी भड़क रही थी मीडिया पर कि किसके पैसे तुमने खाए हैं, किसने तुम्हें पैसे दिए हैं, बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन 3 महीने से हम जैसे इंसाफ की मांग कर रहे हैं उसकी आवाज़ कौन बुलंद करेगा, किसने तुम्हें पैसे दिए हैं, मीडिया बिका हुआ है और अगर दोबारा जम्मू में कदम रख दिया तो अच्छा नहीं होगा। ये सांझीराम की बेटी ने मीडिया को धमकी देते हुए कहा था। ये आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में पेड़ के नीचे एकत्र हुए सांझीराम के परिवार के सदस्य किसी विश्वसनीय एजेंसी की तरफ से निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं और पिछले 15 दिनों से सीबीआई जांच की मांग को लेकर अनशन कर रही 16 महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जो सांझीराम के पक्ष में आवाज बुलंद कर रही हैं। और सांझीराम की बेटी ने कहा है कि मेरे पिता और भाई यानी विशाल जंगोत्रा को अगर दोषी पाए जाने पर फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए, बशर्ते जांच कोई विश्वसनीय एजेंसी करे। हम लड़की के लिए विश्वसनीय एजेंसी की जांच के माध्यम से न्याय चाहते हैं और इस तरह की जांच से ही सुनिश्चित हो सकता है कि हमारे पिता और भाई निर्दोष हैं। और सांझीराम की बेटी ने कहा है मीडिया को हमारा पक्ष भी सुनना चाहिए, क्राइम ब्रांच की जांच पर हमारी सरकार को हमारी आशंकाओं को ध्यान में रखना चाहिए और 8 साल की लड़की को न्याय दिलाने के लिए सीबीआई जांच की मांग मीडिया ऐसे पेश कर रहा है जैसे हम अपराधियों का बचाव कर रहे हैं या जांच में बाधा डाल रहे हैं, ये गलत है। हमने हमेशा लड़की के लिए न्याय का पक्ष दिया है। और सांझीराम की छोटी बेटी ने भी क्राइम ब्रांच की सवाल पर जांच पर सवाल उठाते हुए कहा है कि कैसे एक पिता अपने बेटे को नाबालिग लड़की का बलात्कार करने के लिए कहेगा, जैसा कि आरोप पत्र में दावा किया जा रहा है। सांझीराम की छोटी बेटी ने कहा है कि इस मामले का सियासीकरण किया जा रहा है और सियासी आरोप प्रत्यारोप में उनकी आवाज दबाई जा रही है। और पीड़िता का जो शव था, जो बच्ची थी, अब 17 जनवरी को उसका रसाना गाँव में उसकी डेड बॉडी पाई गई थी और 1 हफ्ते पहले वो घोड़ों को चराते वक्त लापता हो गई थी। और इस मामले में पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। घोड़ों की बात की जा रही है तो जो 8 आरोपी हैं उसमें से एक आरोपी है जिसने बच्ची को बहला फुसलाकर घोड़ों को चराने की घोड़ा चराने में उसकी मदद करने की बात कही थी और फिर उसको बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और फिर उसको नशे के इंजेक्शन दिए, उसको टैबलेट खिलाई, उसको मंदिर में रखा, फिर उसके साथ गैंगरेप किया गया, फिर उसको जंगल में मार दिया गया और मारने से पहले भी उसके साथ गैंगरेप किया गया। ये है इसकी पूरी कहानी। केस है 10 जनवरी का, जब बच्ची अगवा हुई 12 जनवरी को माता पिता ने केस दर्ज करवाया, 17 जनवरी को जंगल में परी की डेड बॉडी मिली। अब ऐसे में सवाल ये है, ये मैंने आपको अपडेट दिखाई है कठुआ केस से जुड़ी और सांझीराम का साफ साफ कहना है सीबीआई जांच करे, वहीं उसकी बेटियों का भी यही कहना है कि सीबीआई जांच करे, उसको क्राइम ब्रांच की चार्जशीट पर भरोसा नहीं है, जांच पर भरोसा नहीं है। साथ ही बेटियों का ये भी कहना है कि कोई बाप अपने बेटे को क्यों कहेगा कि कोई नाबालिग लड़के के साथ बलात्कार करे। तो ऐसे में तो पक्ष तो इधर से भी सामने आ रहे हैं, पक्ष उधर से भी सामने आ रहे हैं। इसी बीच आपके पास अगर समय हो तो आप YouTube पे एक वीडियो देखिएगा जिसमें सांझीराम का बयान सामने आया है और सांझीराम ने साफ साफ कहा है, हालांकि मैं इस मामले को धर्म से नहीं जोड़ना चाहूंगी और धर्म, मैं खुद आप लोगों से अपील करूंगी कि इसको सिर्फ इंसानियत के चश्मे से देखें, धर्म के चश्मे से ना देखें। सांझीराम ने कहा है कि जब कश्मीर में
हिंदू बेटियों के साथ बलात्कार होता है तब वहाँ पर कोई नहीं आता है, लेकिन जब यहाँ पर एक मुस्लिम लड़की का बलात्कार हो जाता है तो यहाँ पर हो हल्ला होता है। आप बाकायदा यूट्यूब पर उसका वीडियो देख सकते हैं, उसने बाकायदा मीडिया से बात कही है। उसके साथ उसने कहा है कि अगर मैं दोषी पाया जाता हूँ तो मुझे फांसी पर लटका दो, लेकिन CBI इस मामले की जांच करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ CBI जांच की मांग से इनकार कर दिया है और पीड़ित परिवार ने भी साफ साफ कहा है कि CBI जांच नहीं होगी। तो यानी कुल मिलाकर अब इस केस में क्या यू टर्न आएगा, ये जानने के लिए आप बने रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।